जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक सियासी बात करते हुए मैं आप लोगों तक अपनी बात रखना चाहता हूं, जिसमें खुलासे कलाम के तौर पर यह है कि कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की बहन, कल तेलंगाना हैदराबाद में किसी सभा को, किसी इजलास को खिताब कर रही थी। उस इजलास में प्रियंका गांधी ने इल्जाम लगाया कि असदुद्दीन ओवैसी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, वे मुल्क भर में भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए और जमहूरी ताकतों को, सेकुलर मर्यादा को कमजोर करने के लिए मुल्क भर में नाचते फिरते हैं, प्रियंका गांधी ने कहा। जिस पर श्री श्री जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उसका जवाब देते हुए प्रियंका गांधी को बड़े भोड़े और बहुत ही गलत अंदाज में ये कहा कि दुल्हे राजा या दुल्हे भाई राहुल गांधी के सामने गए थे क्या, जो हार गए, यानी कि अमेठी से, रायबरेली से, उत्तर प्रदेश से राहुल गांधी हार गए क्या, दुल्हे भाई गए थे? असदुद्दीन ओवैसी ने ये बेतुके अल्फाज बोले हैं। अब मैं ये नहीं जानता हूं कि हैदराबाद में दुल्हे भाई हर किसी को कहते हैं। असदुद्दीन अपनी बहन के लिए भी दूल्हे भाई हैं, अपनी वालदा के लिए भी दूल्हे भाई हैं, या किस किस के लिए वो दूल्हे भाई हैं, हमें नहीं पता है कि वहां इस लफ्ज को उर्फ आम में किस मतलब में बोला जाता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि दूल्हा उस शख्स को कहते हैं जिसकी शादी होती है, तो असदुद्दीन ओवैसी की शादी का खुमार, दूल्हा बनने का खुमार अगर अभी तक जारी है तो ये बहुत घिनौना और बहुत ही बेतुका और भूंडा है। मैं बताना चाहता हूं कि दाढ़ी, टोपी और मुस्लिम सभी होने के नाते से असदुद्दीन ओवैसी के जुबान से बोले गए हर लफ्ज को मुसलमानों पर थोपा जाता है और उसके एवज दूर दराज की रियासतों में मुसलमानों को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। ये चीज हर शख्स समझ ले। असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी बोलते तो हैं हैदराबाद में, अपने बंद फसील बंद किले में बोलते हैं, लेकिन मॉब लिंचिंग, भीड़ के जरिए से मारे जाने का खमियाजा बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और उत्तर प्रदेश और मुल्क के कोने कोने में लोगों को, मुसलमानों को भुगतना पड़ता है। लिहाजा असदुद्दीन ओवैसी को अपनी जुबान पर कंट्रोल करना चाहिए, अपनी हरकतों पर कंट्रोल करना चाहिए और अपने बोले गए शब्दों को तोड़ना चाहिए, क्योंकि जुबान से निकली हुई बात और बंदूक से निकली हुई गोली और तीर कमान से निकली हुई कभी वापस नहीं आती, वो रिकॉर्ड बन जाती है। लिहाजा आपकी बदतमीजियों का, आपकी वाहियात गोलियों का, असदुद्दीन ओवैसी के जुबान से बोली गई बेतुकी, झूठी और लायानी बातों का खमियाजा मुसलमान उम्मत को, मुस्लिम उम्मा को बर्दाश्त करना पड़े, ये कहीं से कहीं तक जायज और माकूल नहीं है। अब मैं आता हूं बयान के असल मकसद की तरफ कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर मैं बीपीएम हूं तो प्रियंका गांधी के भाई यानी राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में कैसे हार जाते हैं, तो उसका मैं खुलासा करना चाहता हूं। बहुत सारे अंधभक्त, अंधे मुकल्लिदीन जो है, अंधभक्त होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कहते हैं कि पेट्रोल 100 नहीं 1000 रुपए लीटर हो जाए, गैस 1100-1200 रुपए नहीं 12000 रुपए हो जाए, हम भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएंगे। उसी तरह से अंधे मुकल्लिदीन जो MIM के और असदुद्दीन ओवैसी के हैं, वो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के एवज चाहे पूरी कौम को मिट्टी देना पड़े, पूरी कौम को डुबाना पड़े, असदुद्दीन ओवैसी को ही सपोर्ट करेंगे। इसलिए अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी के और अंधे मुकल्लिदीन MIM के, असदुद्दीन ओवैसी के, दोनों में फर्क नहीं है। भारतीय जनता पार्टी RSS हिंदू हिंदू का नाम अलापती है और असदुद्दीन ओवैसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो मुस्लिम मुस्लिम का राग लापती है। नतीजे के तौर पर दोनों मुल्क के दुश्मन है, दोनों मुल्क के लिए जहर हलाहिल है, दोनों मुल्क के लिए बहुत ही खतरनाक है, मुल्क की जमहूरियत के कातिल है ऐसे लोग, इन लोगों को समझिए। खैर, मैं बात को अपने समेटते हुए बताना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी, उनके अंधे मुकल्लिदीन कहते हैं कि फुला जगह असदुद्दीन ओवैसी नहीं गए तो फुला हार गया, फुला जगह असदुद्दीन ओवैसी गए फुला हार गया। मैं आपकी इस बात का जवाब देते हुए बताना चाहता हूं कि आज का ये दौर, सोशल मीडिया का ये दौर, बम गिरते हैं फलस्तीन पर, दर्द होता है हिंदुस्तान और दुनिया के कोने कोने में। मतलब क्या है? जराए अबलाग, सोशल मीडिया का जमाना, आज की तेज रफ्तार, बढ़ती आलात और जो कुछ भी टेक्नोलॉजी है, वो जरूरी नहीं है कि आप
हैदराबाद में बोल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बोल रहे हैं, झारखंड बंगाल और बिहार में बोल रहे हैं, उसकी आंच अगर आपकी बातें गंदी है तो बड़े दूर तक पहुंचती है, हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंचती है। मिसाल के तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में कहा, दिल्ली में पार्लियामेंट में कहा कि मैं जय श्री राम नहीं बोलूंगा, और ये जय श्री राम नहीं बोलूंगा के चक्कर में उन्होंने 50 मरतबा बोला। आपने देखा होगा कि जय श्री राम कहलवा करके कुछ शिद्दत पसंद दहशतगर्द लोगों ने मुस्लिम भाइयों का कत्ल यही कह कह करके कहलवाया, यही कह कह करके कत्ल किया कि बोलो जय श्री राम बोलते हो कि नहीं बोलते हो। अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन था तो मंदिर के मस्जिद के किनारे खड़े होकर के नाच नाच करके जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। खमियाजा क्या है, गुस्सा कहाँ का है, समझ रहे हैं? तमाम मुसलमानों के घरों के सामने, इबादतगाहों के सामने जय श्री राम का ये गुस्सा, कहलवाने का गुस्सा कहां से है, समझते हैं? असदुद्दीन ओवैसी के उसी पार्लियामेंट के दिए हुए भाषण से। भारत माता की जय नहीं बोलूंगा असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में बोला, लेकिन आज हर किसी को, किसी भी मुसलमान को पकड़ करके, बुजुर्गों को दाढ़ियों टोपियों से पकड़ करके, नोच नोच करके कहा जाता है बोलो भारत माता की जय। असदुद्दीन ओवैसी खुद तो 50 बार बोलता है, लेकिन आग में घी डालने का काम करता है, तेल में चिंगारी लगाने का काम करता है, खुद तो बोल करके निकल जाता है, लेकिन मुल्क के कोने कोने में मुसलमान भाइयों को इस गुस्से में पकड़ करके कहलवाया जाता है। अरे भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं है भारत माता की जय बोलने में, भारत वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में, हमें क्या फर्क पड़ सकता है भाई? लेकिन गम गुस्सा की लहर बी टीम होने का काम असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से कर रहे हैं? मुसलमानों के खिलाफ गम गुस्सा बढ़ाने का काम असदुद्दीन ओवैसी किस तरह से कर रहे हैं? तीसरी मिसाल मैं देता हूं, असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज से 10 साल 15 साल पहले बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे कौन क्या है। खुद की आंत, खुद की अटड़िया, खुद की कलेजिया अकबरुद्दीन ओवैसी से संभलती नहीं, लेकिन ये लफ्ज 15 मिनट पुलिस हटा दो का जहर आलूद लफ्ज बोल करके आज लोगों को मुस्ताल कर दिया है, मुल्क के हिंदुस्तान के तमाम हिंदू भाइयों को मुस्ताल कर रखा है। आज वो हिंदू भाई जो हजारों साल से हम मुसलमानों के साथ, दूसरे कम्युनिटी के साथ मिलकर के, शेर शकर की तरह से मिलकर के, गंगा जमनी तहजीब की आबियारी करते हुए हजारों साल से जो रहते थे, वो आज गुस्से में फिर रहे हैं। ये 15 मिनट की क्लिप हटा दो, आज आरएसएस के हर कारकुन की मोबाइल में पड़ा हुआ है। वो एक दूसरे के पास जाते हैं, एक दूसरे के पास पहुंचते हैं और कहते हैं ये देखो अकेला मेंबर पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ऐसा बोल रहा है, 15 मिनट हटा दो पुलिस, ऐसा बोल रहा है। जिस दिन ये 15, 20, 25 और 50 मेंबर पार्लियामेंट हुए, तुम्हारे अकेले के हिंदुस्तान में तुम्हारी तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के लोग उस वीडियो को लेकर आज 15 साल बाद भी उस वीडियो को लेकर के चल चल के फिर के एक दूसरे को चाय पर चर्चा करके सुबह निकल जाते हैं और कहते हैं ये देखो मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा कि इन चीजों का, इन मुतशद्दिद बातों को कहलवाने का, भारतीय जनता पार्टी का असदुद्दीन ओवैसी की जुबान से कहलवाने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है मालूम है आपको? क्यों कहलवाती है भारतीय जनता पार्टी? इसलिए कि वो हिंदू भाई जो अभी तक मुतशद्दिद नहीं हुए थे, वो अभी तक सेकुलरिज्म की जिंदगी जी रहे थे, जो मुसलमानों से गंगा जमनी तहजीब के तौर पर जिंदगी गुजार रहे थे उनके साथ, वो इन बातों को सुनकर मुतशद्दिद हो जाते हैं, आरएसएस के खेमे में चले जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफार्म पर चले जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब उनके वजूद का खतरा दिखाया जाएगा, 15 मिनट पुलिस हटा दो का नारा दिखाया जाएगा, डर दिखाया जाएगा, तो वो लोग डरेंगे। हर कोई डरता है, डरना एक इंसान की फितरत है। लिहाजा अगर अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, उनके अंधे मुकल्लिदीन, उनके अंधभक्त और एमआईएम के लोग अगर ये कहते हैं कि फुला जगह नहीं गए अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी फुला जगह नहीं गए, लेकिन इनकी बोली हुई बातों की जहरीली चिंगारियां मुल्क के कोने कोने में पहुंचती हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह से कि असदुद्दीन ओवैसी मदीना में, मक्का में खड़े होकर के, मदीना में खड़े होकर के वो कहते हैं कि रौज़ा नबवी के पास खड़े होकर के मैं कसम खाता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी से पैसे नहीं लिया हूं, मैं कहता हूं कि मस्जिद ज़रार मुनाफिकों ने बनाया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज भी पढ़ते थे, लेकिन मुनाफिक तो थे ना। अगर तुम कब्रिस्तान पर खड़े होकर के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर खड़े होकर के कह देते हो कि मैं इस तरह से नहीं हूं, मैं इस तरह से पैसे लेने वाला नहीं हूं, तो तुम्हारी मुनाफिकत तो धुल नहीं जाती, तुम्हारे ये शवाहिद, तुम्हारे ये तमाम तरह के गुनाहों पर पर्दापोशी, तुम्हारी भारतीय जनता पार्टी की पुष्टपनाही किन बातों के वजह से? भाई मानता हूं पैसे नहीं लिए, लेकिन मैं कहता हूं कि तेलंगाना की सारी जमीनों पर, सारी वक्फ जमीनों पर मजलूम के खिलाफ जुल्म करने के पादाश में
तुम्हारे ऊपर इंक्वायरी नहीं होती है, तुम्हारे ऊपर जांच पड़ताल नहीं होती है। अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कोई आज तक ईडी नहीं गई, कहते हैं कानून दा है। अरे कानून दा है लेकिन हार गया ना, डिफेमेशन केस का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, बिल्कुल आता फिर रहा है। लिहाजा ये बात कहना उनके मुकल्लिदीन का कि अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी या मालियम के लोग खुला जगह तो नहीं गए थे, लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारी बोली हुई, तुम्हारी जुबान से निकली हुई शिद्दत पसंदी की चिंगारी मुल्क के मुसलमानों, मुल्क के हिंदू भाइयों के दिमाग में गम गुस्सा भरने के लिए काफी है। लोगों को बता दीजिएगा कि ये इनकी पुष्टपना है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है, और ये कहते हैं कि मैं फला जगह नहीं गया, फला जगह फलाना क्यों हार गया, तुम्हारी मुतशद्दिद बातों की वजह से आज मुसलमानों का जो सर नीचा हुआ है, मुसलमानों के खिलाफ जो गम गुस्सा भरा हुआ है, हिंदू भाइयों का जो जमहूरियत पसंद भाई थे, जो मिल करके एक दूसरे से रहते थे, एक दूसरे की दुकानों पर जाते थे, एक दूसरे की दुकानों के सामान खरीदते थे, आज लोग बाइकॉट कर रहे हैं। क्यों? असदुद्दीन ओवैसी के इन मुतशद्दिद भड़काऊ भाषणों से। लिहाजा इन तमाम चीजों को समझिए, पहचानिए, अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी के मकर फरेब को समझिए कि हमें हमारे मुल्क के हिंदू भाइयों से, गैर मुस्लिम भाइयों से, अदर कम्युनिटीज वालों से कभी खतरा नहीं रहा। हजारों साल से हम शीरो शकर की तरह गंगा जमुनी तहजीब की आबियारी करते हुए एक दूसरे के साथ जिंदगी जीते थे। बड़े बड़े दंगे फसाद आए लेकिन एक दूसरे ने एक दूसरे को पनाह दी, छुपाया, बचाया। लेकिन ये मुतशद्दिद लोग, एमआईएम के लोग, इन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ गम गुस्सा को बढ़ाने के लिए मोब लिंचिंग का, जब तक असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी भड़काऊ भाषण नहीं दी थी, मोब लिंचिंग का मुल्क में कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन जब से असदुद्दीन ओवैसी ने ये भड़काऊ भाषण दिए हैं, तब से मुल्क के कोने कोने नफरत फैल रही है। इनकी बोली गई हेट स्पीचेस लोगों के दरमियान बड़े पैमाने पर सर्कुलेट हो रही है, और मुतशद्दिद लोग, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग, उसको मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से देखा है। उसकी क्लिप लेकर के चाय पर चर्चा करते हुए सुबह सुबह निकल जाते हैं, 10-15 उन घरों में पहुंचते हैं, और मौलाना महमूद मदनी की बात को मैं बार बार नकल करता हूं, बहुत परफेक्ट, बहुत हकीकत चश्मकुशा उनका बयान है कि ये कोशिश करते हैं, ये बोलते हैं तो इनके बोलने की वजह से उनके प्लेटफॉर्म पर लोग जमा होते हैं। और एक कॉल मैंने किसी अखबार में या किसी किताब में या कहीं पर पढ़ा था कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के, यानी कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के लीडरान से की स्पीचेस से जितने लोग भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर नहीं जमा होते हैं, असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी की स्पीचेस की वजह से भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म पर लोग जमा होते हैं। समझिए, अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिए, सोचिए, गौर व फिक्र कीजिए, इन लानत ज़दा लोगों की मलऊन बातों को समझिए कि कितने गहरे तौर पर जख्म दे रहा है कौम की पीठ में। ये लोग खंजर नहीं, बल्कि खंजर नहीं मार रहे हैं, बल्कि बताते खुद ये खंजर हैं। जब तक इन लोगों का किला कमा नहीं किया गया, इन लोगों को हराया नहीं गया, इन लोगों को दौड़ा कर भगा करके इन लोगों को खदेड़ा नहीं गया, हम लोगों की जिंदगी तंग रहेगी, नफरत फैलती रहेगी, हमारी दुकानों से अशिया को खरीदने का बायकॉट किया जाता रहेगा। समझिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।